जय मां दुर्गा, जय मां दौड़िगेश्वर काली। नमस्कार, केमेन आछेन बैरकपुरवासी, बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा देश जो कह रहा है, बंगाल उसको जोरों से कह रहा है, और पूरा बंगाल कह रहा है आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप जानते हैं, आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े राज्य, इतने सामर्थ्यवान राज्य, और ये राज्य ऐसे हैं, किसी राज्य में अपार खनिज संपदा है, किसी राज्य में कोयले के भंडार भरे हैं, किसी के राज्य के पास समुद्री की ताकत, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट की ताकत है, किसी के पास अथाह उपजाऊ भूमि है, किसी के पास पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। 2014 में आपने, आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया, और मोदी ने ठाना है कि वो हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी भाग है, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। आप देखिए, आज रेल, रोड, एयरपोर्ट और वाटरवे का कितना आधुनिक नेटवर्क पूर्वी भारत में बन रहा है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बंगाल में, पूर्वी भारत में इंडस्ट्री का अभूतपूर्व विस्तार होने लगा है। इन राज्यों में बनाया जा रहा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत मदद करने वाला है। यहां के बंद पड़े खाद कारखानों को भाजपा सरकार ने फिर से शुरू करवाया है। आने वाले 5 सालों में पूर्वी भारत में ऐसे विकास कार्यों को और गति देने वाला समय है और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों और बहनों, बंगाल की ये धरती, बैरकपुर की ये धरती इतिहास रचने वाली धरती है। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ करती थी। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या?
साथियों, टीएमसी कांग्रेस के एनडीए अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और एनडीए अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस, ये सब किसके सहारे हो रहा है? इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में अब इंडी अलायंस एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? और देखिए, कर्नाटका में तो कांग्रेस ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती। लेकिन कांग्रेस टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है,
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जय श्री राम। मोदीर गारंटी हलो गारंटी पूर्ण होबार गारंटी। साथियों, हमारा बैरकपुर तो जूट इंडस्ट्री का हब रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहां खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी, लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बेहाल है। मजदूरों की सूद लेने वाला कोई है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की इस धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है, एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो जेल भरो, चोर धरो चोर धरो चोर धरो, यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। ये नारा विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये नारा दिया है बंगाल की जनता ने, आप लोगों ने दिया है। साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया। उस रिपोर्ट में कहा गया है
कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए कितने कितने 2,30,000 करोड़ रुपए इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है साथियों। टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है टीचर भर्ती घोटाला। आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेड कार्ड बनाए हुए थे। ये रेड कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योगों का उन्नयन जरूरी है। इसके लिए आपको बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। आपको टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी मतदान करना है, करेंगे, भारी मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे,
जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।